नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूलिप्स टिप्स फॉर यू पर। फ्रेंड्स, निजी व्यस्तताओं के कारण से पिछले एक डेढ़ महीने से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं बहुत ही खूबसूरत सा सजावटी पौधा, और इसके फूल मानो यहाँ पे मखमल बिखेर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम है इसका कॉक्सकॉम्ब, जिसे मुर्गा चोटी या मुर्गा कलंगी या लाल मुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। और बॉटनिकल नेम है इसका सिलोसिया क्रिस्टाटा। बिल्कुल वेलवेट जैसे इसके फ्लावर्स आते हैं, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल से फ्लावर्स हैं। इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि बॉर्डर्स पे, कंटेनर्स में या हेज के रूप में हम आसानी से कहीं पर भी किसी भी जगह लगा सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत सा ये प्लांट, बहुत ईजी टू ग्रो, बहुत ईजी टू मेंटेन है। इसका जो सीडलिंग टाइम है फ्रेंड्स, वो है मार्च अप्रैल। मार्च से लेके मई तक आप इसके सीड्स बिखेर सकते हैं, और 6 से 8 दिन में इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। मैं वो सब प्रोसेस आपको नहीं दिखा पाई। जब भी मैं इसके सीड कलेक्ट करके दोबारा जब भी इसको ग्रो करूँगी, आपको वो प्रोसेस ज़रूर दिखाऊँगी। और जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं, तो उसका ट्रांसप्लांट टाइम है फ्रेंड्स मई से जून के बीच में आप छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग पोट्स में रख सकते हैं। और फ्लोरिंग इनमें अक्टूबर नवंबर में बहुत सारी देखने को मिलती हैं। इनमें जो आप ये कलर देख रहे हैं, गहरा जो मैरून कलर है, इसके अलावा येलो कलर भी आता है, पर्पल भी आता है, रेड आता है, गोल्डन में भी इसका कलर आता है। फ्रेंड्स, ये फुल सनलाइट को पसंद करने वाला पौधा है, जो कि आप देख रहे हैं लंबे पाइपनुमा इसका तना जो है, लंबे पाइपनुमा तना आप देखिए, बिल्कुल लंबा जैसे कोई पाइप हो। इस तने पर चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ और तने के लास्ट में टॉप पर ये फ्लावर्स बहुत ही आकर्षक लगते हैं। और इनकी जो फूल आप देख रहे हैं, पिछले एक महीने से मैं लगातार देख रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, यानी कि ये बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। ये मानिए कि 8 से 10 सप्ताह तक अगर आपने इसकी उचित केयर की, तो ये जो फूल है आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मुरझाएंगे और बिल्कुल अच्छे नज़र आएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की, इसकी केयर के बारे में बताऊंगी, इसके सीड्स के बारे में बताऊंगी कि कब इसको प्रोपेगेट करना है और किस तरीके से इसके कलेक्ट करना है, वो भी मैं आपको जानकारी इसी के अंदर दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। जब भी हम इस गमले में, ये जब ट्रांसप्लांट टाइम मैंने जो आपको बताया है मई जून, उस टाइम गमले में हम जब ये मिट्टी लगाएं, गमले में जब हम मिट्टी बनाएंगे, तो उसको वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाना है उस टाइम पे। उसमें हम मिलाएंगे गार्डन सॉइल, गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के अपने को इसकी मिट्टी बनानी है। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेंड होनी चाहिए कि इसमें पानी मॉइस्चर तो बना रहे हैं, लेकिन सोगी नहीं हो, यानी कि ये प्लांट कीचड़ पसंद नहीं करता है। पानी इसमें ठहरना नहीं चाहिए, मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी मिट्टी होगी तो आपका ये प्लांट पूरे साल भर आपको फूल देता रहेगा। और अब बात कर लेते हैं कि इसको सनलाइट कितनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सनलाइट को ये बेहद पसंद करने वाला प्लांट है, 4 से 5 घंटे की तो इसको मिनिमम सनलाइट चाहिए ही। छायादार जगह पर अगर आपने इसको रख दिया है, तो फूलों की संख्या कम हो जाएगी और क्वालिटी तो बिल्कुल ही ख़राब आएगी। तो आप जब भी ये प्लांट लगाते हैं, तो इसको 4 से 5 घंटे की धूप वाली जगह पर रखें। आपको ये काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग देगा और इसकी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहे, कीचड़ बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि इसमें पानी ठहरे नहीं। इस बात का आप बेहद ध्यान रखें ताकि आपका ये जो प्लांट है बिल्कुल खुशनुमा बना रहे। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। वैसे तो ये हैवी फीडर नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं रहती। जब आप प्लांट में ये प्लांट ट्रांसप्लांट करते हो, उसी टाइम आप अच्छी मिट्टी बना लेते हो, लेकिन फिर भी इसकी फ्लावरिंग जब होती है, उस टाइम पर आप इसको थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद दे सकते हो, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र कोई भी, या मैं कहूँगी कि आप हर महीने एक मुट्ठी गोबर की खाद आप इसमें दें। इसमें फ्लोरिंग बहुत अच्छी होगी और कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे आएंगे। इसमें फ्रेंड्स, एक पेस्ट का अटैक भी काफ़ी देखने को मिला है, जो पत्तियां हैं उनमें छेद से हो जाते हैं, या कई बार स्पाइडर माइट्स का भी अटैक हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल फ्री की सलाह दूँगी कि जो नीम ऑयल है, जो आपके पास जो भी बागवान है वो नीम ऑयल सभी यूज़ करते हैं, आप नीम ऑयल का इस पर स्प्रे कीजिए हर महीने, या फिर जो आप नीम की पत्तियां जो होती हैं उनको बॉईल करके, ठंडा करके, उस पानी का भी आप इस पर छिड़काव करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसको कट फ्लावर की तरह यूज़ करना चाहें, तो ये जो फूल है, ये देखिए आप देख रहे हैं, इसको 1 से 1.5 फुट तने के साथ कट कर लीजिए और फ्लावर वास में रख दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। वास में 1 सप्ताह तक ये जो फूल है, ये आपका फूलदान में चल जाएगा और बहुत ही
खूबसूरत लगेगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके सीड्स जो काफ़ी मात्रा में ये डेवलप करता है। ये देखिए नीचे की साइड में आप ये देख रहे हैं ब्राउन कलर के, इनमें आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, इसमें ये देखिए ब्लैक कलर के जो निकल रहे हैं बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत सारे ये हजारों की संख्या में ये सीड्स हमें दे देता है। ये यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से बहुत सारे इसमें से सीड निकल निकल करके गिरते रहते हैं और बहुत सारे प्लांट हम इसके बना सकते हैं, यानी कि एक प्लांट से आप हजारों लाखों प्लांट बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इन सीड्स को आप इस तरीके से जब भी फ्लावर्स सूखने लग जाएं इस तरीके से इसमें से निकाल लें, झाड़ लें और किसी भी पॉलीबैग में रख दें और नेक्स्ट मार्च या अप्रैल में इसको जर्मिनेशन के लिए इसको तैयार कर लें। आप गीला करके इनको अच्छे से पानी में भिगो करके भी जर्मिनेट कर सकते हैं या सीधा आप गमले में डाल कर भी इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मुर्गा कलगी, मैं ये जो सीड है ये मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि कुछ प्लांट्स इसके निकल जाए तो अच्छा है। वैसे सर्दियों में इसके ये जो है जर्मिनेट नहीं होते हैं, इसका सीजन गर्मी है, गर्मियों में ये प्लांट काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। छोटे छोटे ये जितने भी बीज हैं उनसे सबसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे ये पौधे निकल आते हैं। तो सीडलिंग टाइम आप फ्रेंड्स ध्यान रखिए, मार्च से अप्रैल के बीच में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो देखिए पीछे भी काफ़ी सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल घने घने हो गए हैं मेरे ये बॉलीवियन जू जो कि बहुत देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।